करते तो रतन भटी कलियां, करते तो रतन भटी कलियां, चच चंद पर भंग लगावत है। करते तो रतन भटी कलियां, चच चंद पर भंग लगावत है। कहीं जोगी कहीं भोगी बनकर, कहीं जोगी कहीं भोगी बनकर, कहीं नारायण बनियावत है। तपेशारत कहीं सुरसरी मध्य तपेशारत, कहीं जोगिन माथ बिठावत जो किस
सब शिष्यों को, साधकों को, श्रोताओं को उस जटिल विषय की ओर ले जा रहा हूं जो अपने आप में अत्यंत पेचीदा और समझ से परे है। तंत्र रहस्यम या तंत्र के बारे में बोलने से पहले मैं आप सब लोगों की इस धारणा को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तंत्र जीवन की श्रेष्ठतम विधा और उपाय प्रकार है। तंत्र से भय खाने की जरूरत नहीं है। जो तंत्र से भय खाता है वो मनुष्य है ही नहीं, वो साधक नहीं बन सकता। साधक बनने की पहली शर्त यही है कि वह अपने आप में तंत्र को जानने की क्रिया करता हो, तंत्र जानता हो। मगर दुर्भाग्य यह है कि पिछले 400-500 वर्षों में, या मैं कहूं कि गुरु गोरखनाथ के समय के बाद से, तंत्र के बारे में बहुत अधिक भ्रांतियां समाज में फैल गई। ये भ्रांतियां तीन तरीकों से फैली। गोरखनाथ के समय में तंत्र अपने आप में सर्वोत्कृष्ट विधा थी और समाज का प्रत्येक वर्ग उसको अपना रहा था। समाज में तंत्र लोकप्रिय था। समाज इस बात को स्वीकार करता था कि तंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में केवल तंत्र ही सहायक हो सकता है। परंतु गोरखनाथ के बाद में जो वर्ग उत्पन्न हुआ और गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में जो भयानंद हुए, उन्होंने तंत्र का विकृत रूप स्पष्ट कर दिया। उन्होंने तंत्र का तात्पर्य भोग विलास मद्य मांस और मदिरा को ही प्रधानता दे दी। पंच मकार का प्रारंभ भयानंद से ही हुआ। मद्यम मांसम तथा मत्स्यम मुद्रा मैथुनमेव च मकार पंचवर्गस्यात् सतंत्र सतांत्रिकाम। जो व्यक्ति इन पांच मकारों को प्राप्त करता है या पांच मकारों की धारणा करता है, जो पांच मकारों में लिप्त रहता है, वही तंत्रज्ञ है, वही तंत्र है, भयानंद ने ऐसा कहा। और ये पांच मकार बताए। मध्यम, जो तंत्र करने वाला है तो खूब शराब पीनी चाहिए, दिन रात शराब पीनी चाहिए और धूप रहना चाहिए। मांसम, मांस खाने से उसे किसी प्रकार की परहेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा म या मकार, जहां मध्य है तो दूसरा मांस, और वह किसी भी पशु का मांस खाए, बलि दे, शमशान की साधना करे और उन मांसों से विविध प्रकार के व्यंजन समर्पित करे। तीसरा म या मकार मत्स्यम, मत्स्यम का मतलब है मछली। भोजन में जो तंत्रज्ञ है, जो तांत्रिक है, उनको मछली खानी अनिवार्य है। मांसम मत्स्यम मुद्रा, चौथा मकार उन्होंने मुद्रा को प्रधानता दी कि जो तंत्रज्ञ है वो अपने आप में संपन्न हो, येन केन प्रकारेण धन को ही प्रधानता देता हूं। और पांचवा मकार मैथुन, जो तांत्रिक है, जो तंत्र को जानने वाला है, वह स्त्री के साथ समागम करे और समागम करता हुआ साधना संपन्न करे, यहां तक कि नित्य नवीन स्त्री के साथ संभोग करे। ये सब एक ऐसी गलत धारणा समाज में फैली या एक ऐसा गलत श्लोक समाज में फैला कि जो लंपट थे, जो ढोंगी थे, जो पाखंडी थे, उन्होंने इस श्लोक को महत्वपूर्ण मान लिया, इसको आधार मान लिया और वे शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, वे मैथुन में रत होने लगे, वे धनोपार्जन करने लगे और मूल तंत्र से अलग हट गए। और मूल तंत्र से अलग हटने से समाज में विसंगतता पैदा हो गई। कोई बहु बेटी सुरक्षित नहीं रही। एक धूर्तता और एक चालाकी, छल और कपट मूल आधार बन गया। ये किस प्रकार व्यक्ति को मूर्ख बना करके धन उपार्जन करने की क्रिया प्रधान बन गई। ये सब क्रियाएं बनने से
समाज में विसंगतता पैदा हुई, समाज उन लोगों से परहेज करने लगा, उनसे दूर रहने लगा, अपने घर में बुलाने से दूर रहने लगे, उनसे बात करने में अपना भय स्पष्ट करने लगे, सुरक्षित नहीं रह गया था क्योंकि उनके जीवन की मर्यादाएं विसंगत होने लगी थी, क्योंकि उन बहु बेटियों का सम्मान रहा नहीं था, क्योंकि वे जब शराब पीकर के धुत होकर के जब घर में दौड़ धूप करते, जब बहु बेटियों पर एक गलत नजर डालते तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य गृहस्थ अपने आप में बहुत ही दुखी और परेशान होता कि ये ऐसा कैसा तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, इससे समाज का क्या हित हो सकता है, इससे परिवार का क्या हित हो सकता है। और इस प्रकार से वे तांत्रिक जो तंत्र के नाम पर भोग विलास में लिप्त रहने में अपनी श्रेष्ठता समझ रहे थे, जो तंत्र के नाम पर समाज को लूटने की क्रिया कर रहे थे, वे अछूत समझे जाने लगे, लोग उसे दूर रखने लगे, लोगों ने नाम लेना बंद कर दिया, तांत्रिकों का सम्मान करना बंद कर दिया, तांत्रिकों को पास आने में हिचकिचाहट महसूस करने लगे और अपना दुख तो भोगते रहे, अपनी परेशानियों को भोगते रहे, परंतु अपनी परेशानियों और दुख को, अपनी समस्याओं और बाधाओं को इन तांत्रिकों को नहीं कहने लगे, क्योंकि वे समझते कि इनको बात कहना और आग में अपने आप को झोंकना है, इनके पास जाना और कई प्रकार की समस्याएं अपने ऊपर मोड़ ले लेना है, क्योंकि इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जोर से ज्यादा ये धन ऐंठते हैं और उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कार्य हो या नहीं हो इनको किसी बात की परवाह नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे तंत्र बदनाम होने लगा, धीरे धीरे तंत्र शब्द से भय खाने लगा, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये तंत्र अपने आप में समाज के लिए उपयोगी नहीं है। परंतु यदि हम गोरखनाथ और उससे पहले की स्थिति में जाएं तो हम यह अनुभव करेंगे कि तंत्र जीवन का एक श्रेष्ठ प्रकार है। यह तो अलग बात है कि तंत्र अपने आप में विसंकृति या गंदा या घटिया या मलिन नहीं बना, तंत्र का इसमें कोई दोष नहीं है। वे तांत्रिक जिनको तंत्र का ज्ञान नहीं था, जो केवल अपना स्वार्थ साधन करने में लगे हुए थे, उनकी पदभ्रष्टता की वजह से जहां वे स्वयं पदभ्रष्ट हुए, बदनाम हुए, वहां तंत्र भी बदनाम होने लगा। परंतु सही अर्थों में देखा जाए तो तंत्र तो अपने आप में एक श्रेष्ठ विधा है, श्रेष्ठ प्रकार है। तंत्र अपने आप में जीवन का एक उत्तम कोटि का चिंतन है, विचार है, धारणा है। ये इसलिए है कि तंत्र का तात्पर्य जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता देने की क्रिया है। बिना तंत्र के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि हम एक विशेष नियमों में आबद्ध हों, एक विशेष तरीका हो जहां किसी प्रकार का भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, जहां किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, अड़चन नहीं हो, किसी प्रकार कठिनाइयां नहीं हो, जब बिल्कुल निर्मुक्त जीवन हो तो हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से तंत्रमय कर दिया है। यहां तंत्रमय होने की क्रिया का तात्पर्य है अब किसी प्रकार का मुझे भय नहीं रहा, अब मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं रही, अब मुझे जीवन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं रही। जीवन में किसी प्रकार का भय, अड़चन, बाधाएं, कठिनाइयां और समस्याओं को दूर करने की क्रिया को तंत्र कहा जाता था, और जो इन बाधाओं को खुद मिटा देता था वह स्वतंत्र था। इसलिए शब्द स्वतंत्र तो बहुत हजार साल पहले से बना है। और जो दूसरों के नियमों में आबद्ध हो जाता था, दूसरों के कहने के अनुसार चलता था, या दूसरों को हम अपने अनुकूल बनाने की क्रिया करते थे, तब हम परतंत्र होते थे। दूसरों के नियमों में आबद्ध होने की क्रिया परतंत्र है। और यदि देखा जाए तो हम स्वतंत्र भारत में है, ये भारत का तंत्र विधान अपने आप में स्वतंत्र है, जीवन का सारा सिस्टम, सारा जीवन का कार्यकलाप अपने आप में तंत्रमय है ही, इसलिए हम तंत्र को छोड़ करके जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तंत्र हमारे जीवन का आधार है, बेस है। वो तंत्र जो तंत्र समाज के लिए घटिया और बेहूदा बन गया, उस वजह से हमने तंत्र को एक गलत परिभाषा में ढाल दिया और घूम फिर करके तंत्र का तात्पर्य केवल मारण, मोह, वशीकरण और उच्चाटन रह गया। क्योंकि उन लोगों ने जो शराब पीते थे, जो मांस खाते थे, जो परस्त्री गमन करते थे, उनके पास बाकी सारी तांत्रिक विधाएं तो छोड़ दी, क्योंकि उन बाकी तांत्रिक विधाओं के लिए परिश्रम की जरूरत थी, साधना की जरूरत थी, श्रेष्ठता की जरूरत थी, लंगोट को मजबूत रखने की जरूरत थी और एक आसन पर दृढ़ होने की आवश्यकता थी, वो उनके पास नहीं था। वो ऐसा नहीं कर पाते थे, तो बहुत छोटी छोटी जो विधाएं थी, जो वशीकरण क्रिया है, जो मोहन क्रिया है, जो मारण क्रिया है, जो उच्चाटन क्रिया है,
उन क्रियाओं के माध्यम से वे अपने जीवन को उपार्जित करने लगे और इसीलिए केवल मान मोहन वशीकरण उच्चाट क्रिया को ही तंत्र मान लिया गया, जबकि इतना छोटा संकीर्ण घेरा तंत्र का नहीं है। तंत्र तो अपने आप विशाल सागर है, समुद्र है, जहां हजारों हजारों साधनाओं के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान जीवन में तंत्र की उपयोगिता है या तंत्र का मतलब क्या है? जब हम मंत्र के माध्यम से किसी देवता को अनुकूल बना सकते हैं, जब साधना के माध्यम से किसी देवता को अपने अनुकूल बना करके मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो फिर तंत्र की कहां जरूरत पड़ जाती है? फिर तंत्र हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? यह प्रश्न अपनी जगह सही है, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो विधाएं हैं, एक मंत्र शास्त्र एक तंत्र शास्त्र। मंत्र के माध्यम से भी हम शुभ साधना या काली साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं और तंत्र के माध्यम से भी हम काली साधना या शिव साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं, मगर दोनों का प्रकार अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। और यह जो प्रकार अलग होने की जो क्रिया है, अलग तरह की जो सिस्टम है, अलग तरह का जो चिंतन है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या आज के युग में तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, उपयोगिता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। यदि मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, मगर मेरे सामने एक करोड़पति व्यक्ति खड़ा है जिनके लिए 5 रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसके लिए 5 रुपए ठीक एक मामूली कंकर पत्थर की तरह है। करोड़पति के सामने 5 रुपए का मूल्य ही नहीं है, मगर मेरे लिए तो 5 रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जेब में तो 5 पैसे भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है और मैं भूख से व्याकुल हूं, परेशान हूं। अब उस व्यक्ति से मुझे 5 रुपए अगर प्राप्त करने हैं तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि सेठ जी, आप बहुत उच्च कोटि के हैं, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप कर्ण के अवतार हैं, आप दयावान हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मैं दरिद्री हूं, मुझे खाने की रोटियां नहीं है, मैं आप 3 दिन से कुछ खा नहीं सका हूं और आप कृपा करके मुझ पर रहम करें और मुझे 5 रुपए दे दें। मगर यह जरूरी नहीं है कि मेरी बात पर वो फंसीजे, ये जरूरी नहीं है कि मैं विगलित कंठ से यह कहूं और वो मुझे 5 रुपए दे दे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट करूं और सेठ जी अपने जेब से 5 रुपए निकाल करके मुझे प्रदान कर दें। तब दूसरा तरीका यह है कि मैं आसपास देखूं और यदि कोई दिखाई नहीं देता है तो सेठ जी का कॉलर गले का पकड़ लेता हूं और पकड़ करके झकझोरता हूं और झकझोर के आंख निकाल करके तरेर करके और एक झटका देकर कहता हूं कि या तो मुझे आप 5 रुपए दें या तो चक्कू आपके सीने के पार हो जाएगा, तो सेठ जी निश्चित रूप से अपने जेब से 5 रुपए निकाल के मुझे देंगे। यह दूसरा तरीका तंत्र है और यह पहला तरीका मंत्र है, बस ये मूल रूप से अंतर है। मंत्र का तात्पर्य है देवताओं की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, निवेदन करना, भोग लगाना, आरती करना, धूप अगरबत्ती करना, और उसके माध्यम से कोई जरूर नहीं कि महाकाली प्रसन्न हो, कोई जरूर नहीं कि लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारा घर अक्षय धन से भर दे, मगर दूसरे तरीके से यदि हमें हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, साहस है, क्षमता है और यदि आप साधक हैं और आपके पास समर्थ गुरु है तो आपके पास हौसला है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास नहीं है, मगर उस क्षमता के साथ उस लक्ष्मी के आंख में आंख डाल के आप खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं ये तंत्र साधना प्रयोग संपन्न कर रहा हूं, मैं तुम्हें आबद्ध कर रहा हूं और तुम्हें हर हालत में मुझे संपन्नता देनी है, मुझे धन देना है, मुझे वैभव देना ही है और देना ही पड़ेगा। यह जो एक चिंगारी है, यह जो एक आग है, यह जो कहने का प्रकार है, यह जो कहने का तरीका है, उससे निश्चय ही उन देवताओं को धन प्रदान करना ही पड़ता है या जिस उद्देश्य के लिए हम साधना संपन्न करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए देवता की प्रार्थना करते हैं, उस देवता को वह कार्य संपन्न करना ही पड़ता है। पहली बार में या पहले प्रकार में जिसको हमने मंत्र शास्त्र कहा है, केवल रिक्वेस्ट है, केवल प्रार्थना है, केवल स्तुति है और स्तुति और प्रार्थना से कोई जरूर नहीं देवता वो कार्य संपन्न करे ही, मगर इस दूसरे प्रकार से तो देवता बाध्य हो जाते हैं कि वह कार्य संपन्न करे ही
और आज के युग में हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है कि हम बार बार हाथ जोड़ें, बार बार प्रार्थना करें, बार बार घी के दिए जलाएं, बार बार आरती करें, बार बार भोग लगाएं और लक्ष्मी को बार बार प्रार्थना करते रहें तू धन दे। और इस प्रकार से 10, 20, 25 साल निकल जाए, हम जहां तक खड़े रहे, दरिद्र रहे, भूखे मरते रहे, इतना समय हमारे पास नहीं है। फिर दूसरा ही तरीका हमारे पास स्पष्ट होता है। और दूसरा तरीका का तात्पर्य है कि दो टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से उस लक्ष्मी को बाध्य कर दे कि वह हमें धन प्रदान करे, वैभव प्रदान करे, संपत्ति प्रदान करे, हम जो जीवन में चाहते हैं व्यापारिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, भोग विलास ऐश्वर्य, वह हमें प्राप्त हो ही, हर हाथ में हो, वह तंत्र के माध्यम से संभव है। और इसीलिए आज के युग में जहां मनुष्य का जीवन बहुत एक छोटा सा जीवन बन गया है, 60-70 साल के जीवन को अपने आप में पूर्ण जीवन कहा जाने लगा है, और उसमें भी 20-25-30 साल तो केवल बाल्यावस्था में समाप्त हो जाते हैं और 50 साल के बाद आदमी में उतनी ताकत उतनी क्षमता नहीं रह पाती तंत्र साधना संपन्न कर सके, तो केवल पूरी जीवन में हमारे पास 20 या 25 या 30 साल रह पाते हैं जिसमें हमें साधनाएं संपन्न करनी है। इसीलिए इस छोटे से समय में हम ज्यादा से ज्यादा साधनाएं संपन्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को पूर्णता दे सके, अद्वितीयता दे सके, इसलिए तंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण विधा है और उसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के देवता को अपने अनुकूल बना सकते हैं, हमें जो कुछ चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं और हम जैसा जीवन चाहते हैं उस प्रकार के जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या अगर हम तंत्र साधना करें तो इसका कोई विपरीत प्रभाव, विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि हम मंत्र साधना करें और अगर हम पूरी साधना नहीं कर सकें तो उसका कोई विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। ये बात है कि आप जो साधना कर रहे हैं उसका अनुकूल फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि साधना पूरी नहीं हुई तो अनुकूल फल मिलेगा भी कहां से, मगर उसका कोई विपरीत फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना के क्षेत्र में भी यदि हम पूरी साधना नहीं करें या साधना में किसी प्रकार की न्यूनता रह जाए तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि उसका विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़े या हमारे ऊपर गलत रिजल्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए तंत्र साधना कर रहे थे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, हम दूसरी बार उस साधना को संपन्न कर सकते हैं, दूसरी बार उस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और दूसरा चिंतन आम साधकों का या गृहस्थ का यह रहता है कि क्या गृहस्थ इस प्रकार की तांत्रिक साधना संपन्न कर सकते हैं, और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से गृहस्थ तो इस तांत्रिक साधना को संपन्न कर ही सकते हैं, गृहस्थ के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा यथार्थ है, उनके लिए ज्यादा आवश्यक है कि उनकी इच्छाएं ज्यादा है, उनकी आकांक्षाएं ज्यादा है, समाज में उनको रहना है तो 100 प्रकार की समस्याओं को भोगना पड़ता है, 100 प्रकार उनको कार्य करना पड़ते हैं, 100 प्रकार की बाधाओं से जूझना पड़ता है और शत्रुओं से जीतना पड़ता है। उन शत्रुओं पर हावी होने के लिए, उस जीवन की दुर्भिक्ष को, दुर्बलता को और जीवन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन की न्यूनताओं को समाप्त करने के लिए ग्रस्त लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है कि वह तंत्र साधना करें और तंत्र साधना के माध्यम से जीवन में पूर्णता अनुभव करें, तंत्र साधना के माध्यम से वह सब कुछ हस्तगत करे जो उसके जीवन की आकांक्षा है, जो उसके जीवन की इच्छा है, जो उसके जीवन का आधार है। और तीसरी शंका आम साधक को यह रहती है कि यदि गृहस्थ इस प्रकार की तंत्र साधना संपन्न करे तो क्या उसको मांस खाना अनिवार्य होता है, क्या उसको शराब पीना जरूरी होता है, क्या चिलम फूंकना उसके लिए अनिवार्य है, क्या ललाट पर सिंदूर के लंबे लंबे तिलक करना जरूरी है, क्या चरस और गांजा पीना आवश्यक है? और मैं कहता हूं कि तंत्र में इन विधाओं को कोई स्थान है ही नहीं, तो अपने आप में अत्यंत सौम्य साधना है, अत्यंत मधुर साधना है, उसके लिए शराब पीना और गांजा पीना जरूरी है ही नहीं, जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उल्टा पी करके हम अपने जीवन को पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से उस पंच मकारों की आवश्यकता तंत्र में कम से कम नहीं है, न मद्य की जरूरत है, न मांस की, न मत्स्य की, न मुद्रा की, न मैथुन की। इससे परे हट करके जो पूर्ण पवित्र में जीवन व्यतीत करता हुआ साधना संपन्न करता है वह तंत्र साधना है, और तंत्र साधना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसका जीवन पवित्र हो, उसका जीवन दिव्य हो, वो अपने आप में श्रेष्ठतम साधना संपन्न कर सके और किसी प्रकार के व्यस्तों से दूर रहता हुआ, व्यभिचार से दूर रहता हुआ अपने आप में पूर्णता प्राप्त करे। या फिर एक शंका और आम व्यक्तियों के मस्तिष्क में घूमती है कि यदि हम गायत्री साधना करते हैं
ये भी हम स्वामी साधना करते हैं, ये नित्य पूजा पाठ करते हैं, राम कृष्ण या महावीर या बुद्ध या किसी की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति या हम तंत्र साधना भी संपन्न कर सकते हैं? या क्या हम सुबह जो पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ के साथ साथ तंत्र साधना भी संपन्न कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा अड़चन है ही नहीं, क्योंकि यह भी उसी पूजा पाठ का एक प्रकार है, एक तरीका है। जिस प्रकार से आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र को तंत्र के माध्यम से भी संपन्न कर सकते हैं, वह भी अपने आप में तरीका है। दोनों में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। पूजा पाठ करने वाला है, गायत्री मंत्र जप करने वाला, या पूर्ण सौम्य या सच्चरित्र या भला या श्रेष्ठ व्यक्ति, सही अर्थों में तंत्र साधना भी संपन्न कर सकता है और पूजा के साथ साथ तंत्र साधना कर सकता है। देवताओं की अर्चना करने के साथ साथ तंत्र साधना भी संपन्न कर सकता है। हम अपने सामने अपने इष्ट की पूजा करें, कुमकुम अबीर गुलाल मौड़ी और उनको भोग लगाए, निवेद्य करें, आरती करें, साथ साथ तंत्र साधना मंत्र जाप करें, उसमें कोई दोष है ही नहीं। तंत्र और मंत्र में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर इतना ही है कि मंत्र अपने आप में एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, स्तुति है, एक हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है, और तंत्र अपने आप में तीक्ष्ण है, पूर्णता के साथ प्राप्त करने की क्रिया है। और एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में जो बाधाएं हमारे सामने हैं, जो अड़चने हमारे सामने हैं, जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं, उन कठिनाइयों पर निजात पाने के लिए या किसी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए तंत्र अचूक और अनिवार्य विधा है। अचूक और अनिवार्य में इसी शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि इसका लक्ष्य गलत होता ही नहीं। अगर हम पूर्णता के साथ तंत्र साधना करें तो शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमों में सफलता पा सकते हैं, गारंटी के साथ अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, गरीबी को मिटा सकते हैं, पूर्ण रूप से संपन्न सुखी और ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। हम जैसा चाहे उस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं और लक्ष्मी को बाध्य कर सकते हैं कि वो हमारे घर में रहे बैठे और जीवन भर हमें जीवन में पूर्णता प्रदान करे। वह चाहे लक्ष्मी की साधना हो, चाहे शत्रुओं को समाप्त करने के लिए दुर्गा या बगलाम की साधना हो, चाहे वह सौम्य साधना हो, चाहे रुद्र साधना हो, चाहे विष्णु साधना हो, चाहे ब्रह्म साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना के दोनों ही प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं, मंत्र साधना के माध्यम से भी और तंत्र साधना के माध्यम से भी। दोनों की मुद्राएं एक जैसी हैं, दोनों के आसन एक जैसे हैं, दोनों के प्राणायाम एक जैसे हैं, दोनों का चिंतन एक जैसा है, दोनों की पूजा पद्धति लगभग एक जैसी है, केवल दोनों के मंत्र और मंत्र के प्रकार में अंतर है। इसलिए मंत्र और मंत्र को प्रकार को समझना आवश्यक है, वह ज्यादा जरूरी है। यहां एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों के मन में यह शंका और संदेह रहता है कि बिना गुरु या मार्गदर्शक के अगर हम तंत्र करें, कुछ गलती होगी तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। यदि हम बिना गुरु की अनुमति के भी साधना या मंत्र जाप करते हैं तब भी कुछ अहित होने का नहीं है। मैंने ऊपर उत्तर दे चुका हूं कि यह बात है कि इस प्रकार की साधना करने से जो हमें सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता नहीं मिल सके, क्योंकि हमने अधूरा मंत्र जाप किया, क्योंकि वह क्रिया अधूरी की, अधूरी क्रिया का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो सकता। हम दूसरी बार फिर तंत्र साधना करें हम सफलता पा लेंगे, मगर तंत्र का तात्पर्य कोई भूत प्रेत पिशाच आकर के गला घोंट दे या भूत प्रेत पिशाच सामने खड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि उनको किसी प्रकार का नुकसान हो या डराने स्वप्न आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह भी कोई जरूरत नहीं है कि तंत्र के लिए गुरु बिल्कुल अनिवार्य हो ही या आवश्यक नहीं है। यह अलग बात है कि गुरु उस विधा को ज्यादा बारीकी से समझा सकता है, पूर्णता के साथ समझा सकता है। पुस्तकें उस तंत्र विधा को नहीं समझा सकती, इसलिए नहीं समझा सकती कि पिछले 500 वर्षों में तंत्र अपने आप में लोप हो गया, लुप्त हो गया। तंत्र पुस्तकों में से ढंग से वर्णित रहा नहीं। जो कुतंत्र था गोरखनाथ के समय में और उससे पहले, वह आज के युग में हमारे पास पुस्तकों के माध्यम से भी है नहीं। जब नहीं है तो उसकी सूक्ष्मता हमारे पास नहीं है, उसका प्रकार हमारे पास नहीं है, उसका तरीका हमारे पास नहीं है, उसकी क्रिया हमारे पास नहीं है। और वर्तमान युग में श्रेष्ठ तंत्र जानने वाले व्यक्ति भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। केवल ढोंगी तो है, भगवान कपड़े पहनने वाले तो हैं, पाखंडी तो हैं, जो ये कह सकते हैं कि हम तंत्र की उच्च कोटि की क्रियाएं जानते हैं। सिंदूर के लंबे लंबे तिलक लगाने वाले तो हैं, मगर उस तंत्र की मूल विधा को जानने वाले नहीं है, तंत्र की क्रियाओं को सही ढंग से व्याख्या करने वाले नहीं है, सही ढंग से स्पष्ट करने वाले नहीं है, है बहुत कम है। इसलिए साधक के लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह सबसे पहले एक गुरु की खोज करें, तो सबसे पहले ऐसे गुरु के पास जाए जो अपने आप में मंत्र शास्त्र में भी निष्णात हो, पूर्ण हो, और तंत्र शास्त्र में भी पूर्णता प्राप्त किए हुए हो।
मगर ये जरूरी नहीं है कि तंत्र जानने वाला दो दो क्षण में चमत्कार दिखाएगा, बार बार आपको चमत्कार दिखा के कन्विंस करेगा या प्रभावित करेगा। जो प्रभावित करने की क्रिया करता है वह गुरु हो ही नहीं सकता, वह तो पाखंडी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, जादूगर हो सकता है, तमाशबीन हो सकता है, मदारी हो सकता है। तंत्र का तात्पर्य यह नहीं कि आप हर दो क्षण में मुट्ठी खोल करके आपको भस्म दिखा दे या हाथ दिखा दे या कुछ चीज दिखा दे, उसको तंत्र नहीं कहते हैं। तंत्र तो विधा है, एक प्रकार है, सिस्टम है। इसलिए इस तंत्र में सबसे पहले अनिवार्य गुरु है। और पूरे तांत्रिक ग्रंथों में, सैकड़ों तांत्रिक ग्रंथों में, हजारों तांत्रिक ग्रंथों में एक बात पूर्णता के साथ स्पष्ट है कि यदि हम तंत्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है, आवश्यक है कि आपके जीवन में गुरु हो और आप गुरु से दीक्षित हो। और दीक्षित हो, और सबसे बड़ी बात जो गोपनीय बात है वह यह है कि गुरु से हम अनुमति आज्ञा प्राप्त करें। उससे भी ज्यादा आवश्यक यह है कि तब तक तंत्र में सफलता नहीं मिल सकती जब तक उस तंत्र से संबंधित दीक्षा प्राप्त नहीं कर ले। यह एक पेचीदी बात है, यह एक गोपनीय बात है, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक साधना, प्रत्येक क्रिया, चाहे वह लक्ष्मी साधना हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच साधना हो, चाहे गंधर्व साधना हो, चाहे यक्ष साधना हो, चाहे किन्नर साधना हो, किसी प्रकार की तांत्रिक विधा से साधना यदि हमें संपन्न करनी है तो गुरु उससे संबंधित हमें दीक्षा देगा, लक्ष्मी से संबंधित दीक्षा देगा, तांत्रिक रूप से दीक्षा देगा। यदि हम बगला मुखी साधना करनी है तो आप 5 करोड़ मंत्र जाप करें तब भी आपको अनुकूलता नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि आप बगला मुखी दीक्षा प्राप्त नहीं कर ले। और यह दीक्षा दूर बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए ज्यादा उपयोगी और आवश्यक यह है कि आप स्वयं गुरु चरणों में जाएं, उनके चरणों में बैठें और प्रार्थना करें कि मैं अमुक साधना को संपन्न करना चाहता हूं तांत्रिक विधि से, आप मुझे इस स्वरूप दीक्षा प्रदान करें। और वह आपको उसी विधा से संबंधित पूर्ण दीक्षा प्रदान करता है। और दूसरा तरीका आज के वैज्ञानिक युग में यह भी है कि यदि आपके लिए समय का अभाव है और ये आपके लिए संभव नहीं है कि आप गुरु के चरणों में पहुंच सकें तो आप टेलीफोन पर या दूरसंचार माध्यम से भी उस दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अपना फोटो भेज करके भी अगर गुरु चाहे तो आपके फोटो पर आपको अपने सामने साक्षात उपस्थित करता हुआ उस दीक्षा को प्रदान कर सकता है। दोनों तरीके हैं। यद्यपि पहला तरीका ज्यादा प्रामाणिक है, ज्यादा सही है, ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप सर्व शरीर गुरु के सामने उपस्थित हों और दीक्षा प्राप्त करें, मगर यदि संभव ऐसा नहीं हो सके किसी वजह से तो आपका अपना चित्र भेज दें और उस चित्र पर गुरु पूर्ण दीक्षा प्रदान करके और फिर आप एक निश्चित समय पर टेलीफोन से उस मंत्र को गुरुमुख से प्राप्त कर लें। इस क्रिया से भी दीक्षा संपन्न की जा सकती है। इन दोनों तरीकों में कोई भी तरीका जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपके लिए लाभप्रद हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उस तरीके से उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करें। और यह कितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक साधना की दीक्षा अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्रिया अलग है, उसका विचार विन्यास अलग है, प्राणायाम क्रिया अलग है और पूरी साधना की संपन्नता अलग चीज है। इसलिए उस साधना को संपन्न करने के लिए गुरु एक आवश्यक तत्व हुआ और गुरु आवश्यक तत्व होने के साथ साथ दीक्षा का प्रकार अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ। वह उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा प्राप्त करने के बाद उस साधना में वह प्रवृत्त हो तो निश्चय ही उस साधना में वह पूर्ण सिद्धि, अनुकूलता और लाभ प्राप्त करता ही है, यह निश्चित है। इसी को स्पष्ट करते हुए मैं आपको 2-3 बातें बताई कि तंत्र जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दूसरी बात यह बताई कि यदि हम तंत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है, प्रथम स्थिति है। बिना गुरु के तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि शास्त्रों में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि यदि गुरु नहीं हो तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे अनुमति लेकर के और उनसे दीक्षा प्राप्त करके तंत्र प्रारंभ कर सकते हैं, मगर यह तो तब है जब आपके जीवन में गुरु हो ही नहीं, या कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल सके, या गुरु को पूर्ण ज्ञान नहीं हो, तब यह एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है। मगर यदि आपके पास समर्थ और सक्षम गुरु है तो फिर उस गुरु के पास जाकर के उनसे अनुमति लें, उनकी सेवा करें और उनको अपने जीवन में स्थापित करें, उनका पूजा करें, अर्चना करें, चिंतन करें, विचार करें और गुरु मंत्र का जाप करें। और तीसरी स्थिति मैंने बताई कि साधना में
सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर लें, उस विषय से संबंधित, उस साधना से संबंधित। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बगलामुखी सिद्ध करना है तो फिर बगलामुखी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। धूमावती सिद्ध करनी है तो फिर धूमावती साधना करने से पहले धूमावती दीक्षा लेनी पड़ेगी, और यदि लक्ष्मी साधना करनी है तो लक्ष्मी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और बार बार इसके लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य नहीं है, आप दूर बैठे हुए भी अपने चित्र को भेज करके भी उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, पत्र मिल जाता है कि मैंने तुम्हारी फोटो पर, तुम्हारे चित्र पर दीक्षा संपन्न कर ली और यह मैं गुरु मंत्र तुम्हें देता हूँ, और टेलीफोन पर गुरु मंत्र को आप सुन लें, तो उसके बाद यदि आप साधना में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती ही है। चौथा तरीका जो अन्वय तत्व है वो यह है कि आपके सामने मंत्र अपने आप में पूर्ण स्पष्ट हो, क्योंकि एक ही साधना के सैकड़ों तांत्रिक मंत्र हैं। यदि हम बगलामुखी मंत्र जाप करें तो बगलामुखी के कुल 14 मंत्र हैं, एक बगलामुखी सिद्ध करने के 14 तरीके हैं, 14 सिस्टम हैं। हम कौन से तरीके से उस साधना को संपन्न करें, बगलामुखी को सिद्ध करें, या लक्ष्मी की साधना करें तो उस रीम बीज से करें, या रीम बीज के भी जो 8 वेद हैं उसके माध्यम से करें। इसलिए ये जरूरी है कि हम जब साधना संपन्न करें तो हमारे सामने साधना का प्रकार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस प्रकार के माध्यम से इस साधना को संपन्न करूंगा। क्योंकि तंत्र में भी अवघट साधना है, अवघट साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। तंत्र में पिशाच साधना है, पिशाच साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी सिद्ध की जा सकती है। तंत्र में माधुरेण साधना है, माधुरेण मंत्र के माध्यम से भी उस साधना में सफलता पाई जा सकती है। तंत्र में व्यामोह साधना है, और व्यामोह साधना पद्धति से भी लक्ष्मी साधना संपन्न की जा सकती है। तंत्र में चिंचिनी साधना है, और चिंचिनी साधना का भी एक प्रकार है जिसके माध्यम से लक्ष्मी की साधना संपन्न की जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम केवल लक्ष्मी की साधना भी करें तो लक्ष्मी की साधना करने के तंत्र में 10 या 12 या 15 20 प्रकार हैं। उन 20 प्रकार में से जो प्रकार आपको उपयुक्त लगता हो उस प्रकार से आप साधना संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप दिशा शून्य हो रहे हो, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो, तो आपको गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मैं इन विविध पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के द्वारा साधना संपन्न करूं, या आप गुरु से जानकारी प्राप्त करें कि आप गुरुदेव मुझे वह साधना प्रकार बताइए जो मेरे लिए उपयोगी है, जो मेरी परिस्थिति के लिए अनुकूल है, जिस परिस्थिति के द्वारा मैं साधना को संपन्न कर सकता हूँ। वह चाहे अवगढ़ साधना हो, वह चाहे संसाधना साधना हो, वह चाहे शैव साधना हो, वह चाहे वैष्णव साधना हो, वह चाहे चिंचिनी साधना हो, या कात्यायनी साधना हो, किसी साधना पद्धति से लक्ष्मी को सिद्ध करना है। किसी भी साधना से या किसी भी तांत्रिक साधना से हम लक्ष्मी साधना सिद्ध करें, लक्ष्मी तो प्राप्त होती ही है, लक्ष्मी तो सामने प्रत्यक्ष होती ही है, और जो हम चाहते हैं वैसा होता ही है। अलग अलग तांत्रिक प्रकार हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय को चुन करके उसका मंत्र प्राप्त करें और उसके माध्यम से साधना संपन्न करें। यहां पर तांत्रिक जो मंत्र होते हैं वे अत्यंत संक्षिप्त और लघु होते हैं। कई मंत्र तो केवल एक अक्षर के ही हैं, कई मंत्र 4 अक्षरों के या 8 अक्षरों के या 16 अक्षरों के या 32 अक्षरों के हैं। इसलिए तंत्र का प्रत्येक मंत्र अपने आप में सही उच्चारण होना चाहिए, प्रत्येक बीज या प्रत्येक अक्षर का उच्चारण बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं इस मंत्र का जाप करता हूं तो इसका उच्चारण केवल होठों के माध्यम से ही करना है, या मन ही मन करना है, या ओठ थोड़े खोलने हैं, या आवाज बाहर निकालनी है, या तेज आवाज में उस साधना को संपन्न करना है। ये पांचों प्रकार में से कोई एक तरीका है, उस तरीके से ही वह साधना संपन्न हो सकती है। इसलिए मंत्र का उच्चारण पूर्णतः प्रामाणिक और स्पष्टता के साथ होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि आप जिस साधना को संपन्न कर रहे हैं उस साधना के बारे में आपको पूर्ण प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बार बार आप गुरु को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बार बार गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकते। यह आपके लिए संभव नहीं है कि आप सब काम छोड़कर गुरु के पास बैठे, यद्यपि यह ज्यादा उपयुक्त है कि आप अपने सारे व्यक्तित्व से कटे, आप क्रियाकलापों से कटे, और जब आप वहां से
उस कट करके गुरु के पास पहुंचेंगे तो पीछे की समस्याएं बाधाएं अड़चनों से आप दूर होंगे। जहां आप साधना कर रहे हैं अपने घर में यदि साधना कर रहे हैं तो 10 बार टेलीफोन आएंगे, 10 बार समस्याएं आएंगी, 10 बार पारिवारिक परेशानियां आएंगी, बार बार आपका ध्यान भंग होगा, बार बार साधन विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए गुरु घर में जाकर के या गुरु के सामीप्य बैठ करके अगर साधना करते हैं तो आधे से ज्यादा सफलता तो यूं ही प्राप्त हो जाती है। और फिर दूसरी विशेषता, दूसरी अनुकूलता यह होती है कि यदि हम बीच में कहीं संदेह या भ्रम पैदा होता है तो हम उस गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा अनुकूलता मिली है या प्रतिकूलता मिली है या मुझे ऐसा दिखाई दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। यद्यपि इसमें किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। यदि आप घर में भी साधना करें तब भी किसी प्रकार की बाधा या अड़चन उपस्थित नहीं होती। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि तंत्र साधना करने में कभी रात्रि को कोई डरावनी स्वप्न दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। रात्रि को कोई भय व्याप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। रात को कोई घबराहट हो, समस्या हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। तंत्र साधना के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा मंत्र साधना सामान्य सरल तरीके से होती है, ठीक उसी प्रकार से मंत्र साधना भी सामान्य सरल तरीके से ही होती है। इसलिए यदि कभी आपके मन की भ्रम की वजह से दिखाई दे जाए तो अलग बात है। ये बात अलग है कि कुछ साधना है, जैसे अप्सरा साधना है, यदि हम अप्सरा साधना संपन्न करते हैं तो तीसरे चौथे दिन घुंघरों की आवाज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, सुनाई देती है। यदि हम शांत होकर बैठे तो ऐसा लगता है जैसे कमरे में नृत्य हो रहा हो, एक लयबद्ध, एक तालबद्ध, एक सही रूप में। पांच दिन इस शरीर से सुगंध सी प्रवृत्त होती है कि जैसे कोई सुगंध कमरे में व्याप्त हुई है और अत्यंत महक के साथ पूरा कमरा भर गया है। साथ में आठ दिन नारी शरीर पूर्ण रूप से दिखाई देता है, बिंब रूप में ऐसा लगता है कि नारी खड़ी हुई है। और जब साधना का संपन्नता 14 दिन या 11 दिन की जो भी साधना है जब संपन्न करते हैं तो ठीक हाड़ मांस से युक्त ठीक उसी प्रकार से अप्सरा आपके पास में आके बैठती है, जिस प्रकार से कोई स्त्री आपके पास बैठती हो, आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी जिस प्रकार से आपके पास बैठती है, बात करती है, यदि आप उसको स्पर्श करते हैं तो उसका शरीर आपको अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से अप्सरा का वो शरीर, उसका हाव भाव, चिंतन विचार सब कुछ आपको अनुभव होता है। ये तो एक अप्सरा साधना की बात है। अगर लक्ष्मी साधना भी संपन्न करते हैं तब भी ऐसी सुगंध प्रभावित कमरे में होती है। तंत्र अपने आप में इतनी श्रेष्ठ विधा है कि आपका नित्य तंत्र साधना और उसका रिजल्ट आपके सामने स्पष्ट होता रहता है, परिणाम भी आपके सामने प्रकट होता रहता है। अगर 30 या 5 दिन सुगंध अनुभव हुए, चाहे वह बगलम की साधना है, चाहे तंत्र साधना है, चाहे लक्ष्मी साधना है, तो यह स्पष्ट है कि आप बिल्कुल सही ढंग से गतिशील हैं। इसका मतलब है 5 दिन तक जो आपने साधना की वह बिल्कुल सही है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये 7वें या 8वें दिन यदि घुंघरों की आवाज सुनाई देती है, और निश्चय ही घुंघरों की आवाज सुनाई देती है, चाहे लक्ष्मी साधना करें, चाहे रुद्र साधना करें, चाहे ब्रह्म साधना करें, चाहे विष्णु साधना करें, आवाज वाद्य यंत्र सुंदर ध्वनि, देवध्वनि, वेद ध्वनि, गगन ध्वनि अगर सुनाई देती है तो समझना चाहिए कि आपने जो 8 दिन की साधना संपन्न की वो अपने आप में प्रामाणिक साधना थी, सही थी। यदि आप 11 दिन की साधना संपन्न करें और 11 दिन में आपको उस इष्ट के बिंबात्मक दर्शन होने लगे, ऐसा लगे कि जैसे लक्ष्मी स्वयं सिद्ध करके बैठी है, आई है, खड़ी है, तो समझना चाहिए कि 11 दिन तक की साधना आपकी सही है। और अगर साधना 14 दिन की है तो 14 दिन में तो आपको पूर्ण प्रामाणिक उसकी सफलता मिलती ही है। मेरे कहने का तात्पर्य कि तंत्र की विशेषता है कि आप जितने दिन साधना करते हैं उतने दिन की परीक्षा का परिणाम भी आपको प्राप्त होता रहता है। यदि 5 दिन में सुगंध अनुभव नहीं हो तो समझना चाहिए कि आपने कहीं कहीं त्रुटि है, कोई भी न्यूनता है जिससे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब ऐसी स्थिति बने तो पुनः साधना संपन्न करनी चाहिए या गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कहां त्रुटि रह गई, मेरी साधना में कौन सी न्यूनता रह गई जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई। यह एक महत्वपूर्ण वियोग है, यह महत्वपूर्ण चिंतन है। और ऐसी स्थिति होने के बाद यदि तुम्हें उस कमरे में उसका बिंबात्मक दर्शन हो भी या आपके सामने अवसर आके खड़ी भी हो जाए तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपको देखे, वो आपको देखे, वो अलग बात है, मगर आप अपनी मंत्र साधना बराबर संपन्न करते रहे। जितना मंत्र नृत्य करना है उतना मंत्र उपासन पर बैठ के संपन्न करना ही है। उससे पहले न तो आप बातचीत करें, न दिग्भ्रमित हो, न आसन से खड़े हो, न भय मन में लाए, न किसी प्रकार की चिंता ना हो। चाहे लक्ष्मी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और चाहे कोई विकराल रूप हो, चाहे बगलामुखी हो, धूमावती हो, तो यदि वह विकराल रूप में भी आपके सामने इस कमरे में उपस्थित हो तो आपको घबराने उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। कात्यायनी साधना में तो अत्यंत विकट रूप आपके सामने स्पष्ट होता है, उसमें घबराने, क्योंकि आप स्वयं उसको नियंत्रण में ला रहे हैं, वो आपके नियंत्रण में है। पर कात्यायनी आप जैसा आज्ञा देंगे वैसा करेगी, इसलिए फिर आपको भय होने की जरूरत नहीं। मालिक तो आप हैं, स्वामी तो आप हैं,
उसके ऊपर आप हावी हैं। इसलिए ऐसा दृश्य दिखाई भी दे तो कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराहट होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मन में चिंतन या विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप बैठे हैं आपके सामने गुरु का चित्र है, गुरु का बिंब है, और आपने गुरु साधना संपन्न करने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद इस साधना को प्रारंभ किया है। गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु का कर्तव्य है कि वह अदृश्य रूप में रहकर भी आपकी बराबर रक्षा करे, आपके साथ हो, आपकी बराबर साधना में सहयोगी बने। और इसके आगे का प्रकार, जहां मंत्र आपके सामने स्पष्ट हो, जहां प्रकार आपके सामने स्पष्ट हो, वह साधना की बारीक स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो, गुरु से पहले ही पूरी रूप से समझ लें कि मुझे तंत्र साधना में कौन सा मंत्र जपना है, किस प्रकार से जपना है, कहां बैठना है, किधर मुंह होना चाहिए, कैसी दिशा होनी चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, वह पूरी बात आप समझ लें। छोटे से छोटे पॉइंट को भी समझ लेना चाहिए, और समझने के बाद जब आप उस साधना में प्रवृत्त हो तो मन में किसी प्रकार का मन किसी प्रकार का चिंता नहीं होनी चाहिए, और यह मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं साधना संपन्न करूंगा और मुझे हर हालत में सफलता मिलेगी ही। जो दृढ़ निश्चय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके आगे के प्रकार में यह बात निश्चित है कि तंत्र साधना केवल रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है, दिन को तंत्र साधना संपन्न नहीं हो पाती। रात्रि को संपन्न करने के पीछे उन ऋषियों और तांत्रिकों का मत और चिंतन और विचार ये रहा होगा कि रात्रि अपने आप में शांत और निस्तब्ध होती है, कोलाहल भय या भागदौड़ जीवन की व्यापकता नहीं हो पाती। दिन को 50 काम होते हैं, 50 लोगों से मिलना होता है, बार बार हस्तक्षेप होता है, बार बार बाधाएं आती हैं, ऐसा वह नहीं हो पाता। इसलिए तंत्र साधना जब भी आप संपन्न करें रात्रि को ही संपन्न करें, परंतु यह जरूरी नहीं है कि तंत्र साधना आप सुनसान में जाकर ही संपन्न करें, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। तंत्र साधना घर में भी संपन्न की जा सकती है, और मेरी राय में तो घर में तंत्र साधना संपन्न करना ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा शेष करे, ज्यादा सही है। यदि हम पिशाच साधना या भूत साधना या कात्यायनी साधना या धूमावती साधना भी घर में करते हैं, यद्यपि शास्त्रों में तो शमशान में बैठकर साधना संपन्न करने की इच्छा और स्पष्टता बताई है, मगर यह जरूरी नहीं है कि आप शमशान में करें ही। इसलिए शमशान में बताई गई थी कि वहां ज्यादा शांति है, वहां ज्यादा निस्तब्धता है, वहां कोलाहल नहीं है, वहां किसी प्रकार की आवाज नहीं है, वहां किसी प्रकार का व्याघात नहीं है, आपको कोई बीच में रोकता नहीं है, आप यदि बैठे हैं तो 24 घंटे में कोई आपके पास आके कुछ कहता नहीं है। इसलिए उस शमशान साधना को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि आप घर में ऐसी सुविधाएं हैं तो घर में भी आप एकांत कमरे में बैठ करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि तंत्र साधना पुरुष कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। स्त्री के लिए तंत्र साधना में कोई दोष या किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। स्त्री में किसी प्रकार की साधक जहां शब्द है वह साधक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। कोई भी और किसी भी प्रकार की साधना जहां पुरुष कर सकता है वह स्त्री भी कर सकती है पूर्ण क्षमता के साथ। हाँ, यह बात अलग है कि रजस्वला समय में स्त्री को साधना में भाग नहीं लेना चाहिए, जब तक शुद्ध नहीं हो जाती तब तक साधना वापस संपन्न नहीं करनी चाहिए। मगर इसमें यदि बीच में 5 दिन का ब्रेक होता है, 5 दिन की रुकावट आती है तो ब्रेक नहीं माना जाता, वह रुकावट नहीं मान जाती, उसके बाद वापिस आप 6ठे दिन पूर्णता के साथ उसके आदि का क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसा विधान है। अगली बात, तंत्र साधना के लिए यह अनिवार्य है, यह आवश्यक है कि उसके उपकरण आपके सामने पूर्ण प्रामाणिक हों। उपकरण का मतलब है संबंधित यंत्र, संबंधित चित्र, माला, आसन और प्रकार। यदि आपके पास प्रामाणिक यंत्र नहीं है तो आप चाहे कितनी ही साधना संपन्न कर लें, कितना ही मंत्र जाप कर लें, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती। चाहे हिमालय में बैठे तब भी आपको मनोयोग से तंत्र तो आपके सामने रखना ही पड़ेगा। उसके माध्यम से ही चाहे हम कंकर को ही किसी प्रकार का तंत्र का आकार देकर के साधना करें, पर कंकर को भी तंत्र का आकार तो देना ही पड़ेगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हम गुरु से
उससे संबंधित यंत्र को प्राप्त कर ले और उससे संबंधित माला का प्रकार करें। तंत्र में अलग अलग कार्यों के लिए अलग प्रकार की मालाओं का विधान है। कहीं पर लकड़ी की माला का विधान है, तो कहीं पर आतिदान की मालाओं का विधान है, कहीं पर मोती की माला का विधान है, कहीं पर हल्दी की माला का विधान है, कहीं पर सांप के हड्डियों की माला, सर्पस्थियों की माला का विधान है, कहीं मूंगा माला का विधान है। अलग अलग शास्त्रों में दो दो शब्दों में स्पष्ट किया हुआ है। यह तो गुरु ही आपको स्पष्ट कर सकेगा कि इस तंत्र साधना में कौन सा यंत्र आपके सामने होना चाहिए और कौन सी माला से मंत्र जाप करना चाहिए। कर माला से मंत्र जाप नहीं होता, माला तो उसमें अनिवार्य है, आवश्यक है, और वह जो यंत्र और माला हो पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध हो, पूर्ण रूप से चैतन्य हो, पूर्ण रूप से सिद्ध हो और दीक्षित हो और गुरु द्वारा प्रदत्त हो। ऐसा होने पर ही उसमें साधना में सफलता और श्रेयता प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही साथ तीन चार तथ्यों की और ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि तंत्र में दिशा का बहुत महत्व होता है। हम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं या पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर या जमीन की ओर देखते हुए मंत्र साधना करें या ऊपर आकाश की ओर देखते हुए मंत्र साधना करें, यह अनिवार्य है। और दूसरा यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस समय उस साधना को करते समय किस प्रकार के वस्त्र धारण करें। किस प्रकार के वस्त्र से मेरा तात्पर्य है कि हम किस प्रकार के रंग का उपयोग करें, पीले रंग की धोती पहने या काले रंग की धोती पहने या ऊपर वस्त्र पहने या नहीं पहने, यह आवश्यक है। और तीसरा इसमें उपकरण हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो, कैसा आसन होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, सामने घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो, हम उस यंत्र को कहां स्थापन करें, कौन सी माला से मंत्र जाप करें, कितना मंत्र जाप करें, एक रात्रि में कितना मंत्र जाप अनिवार्य है और मंत्र जाप के बाद में हमें क्या करना चाहिए या उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन सारी स्थितियों को गुरु से पूर्ण रूप से समझ लेना अनिवार्य है। मगर तंत्र साधना में ही आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि आप बिल्कुल भोजन करें ही नहीं या एक बार भोजन करें या दो बार भोजन करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक बार भोजन करने के पीछे सिद्धांत यह है कि रात्रि को जब आप साधना संपन्न करें तो आपको आलस्य नहीं आए, आप में किसी प्रकार की थकावट नहीं महसूस हो, आपका पेट भारी नहीं हो। इसलिए शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कम भोजन करें या भोजन नहीं करें, इसके पीछे केवल विधान यह है, बाकी आप भोजन संपन्न कर सकते हैं। और तंत्र साधना संपन्न करने के बाद उस कमरे में भी आप सो सकते हैं या अलग किसी कमरे में जाकर सो सकते हैं, पलंग पर सो सकते हैं, गद्दे पर सो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का व्याघात नहीं है। ये अलग बात है कि कई प्रकार की साधनाओं में, अधिकांश साधनाओं में ब्रह्मचर्य का अखंडता के साथ पालन करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इससे तेजस्विता बनी रहती है, चेहरे पर ओझ बना रहता है, मन पर चेतना बनी रहती है और उसमें पूर्णता प्राप्त करने में सफलता में प्राप्त होती है। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं वह यह है कि तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी साधना के लिए तीन प्रकार और ज्यादा जरूरी है। एक तो उसकी मुद्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसमें भी पांच मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन पांचों मुद्राओं को हम किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व उन पांचों मुद्राओं का प्रदर्शन कर दें। यद्यपि प्रत्येक प्रकार की साधना में अलग अलग मुद्राओं का विधान है, वह चाहे तारा साधना है तो अलग मुद्राएं हैं, लक्ष्मी साधना है तो अलग मुद्राएं हैं, परंतु यदि उन मुद्राओं का ज्ञान नहीं हो तो केवल इन पांच मुद्राओं को हम प्रत्येक साधना के सामने स्पष्ट करते हैं तो हमारी कार्य पद्धति अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। इसके लिए फिर अलग अलग उस मुद्राओं का प्रदर्शन जरूरी नहीं होता। उसमें पहली मुद्रा दंड मुद्रा है और दंड मुद्रा बिल्कुल अंगूठे को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए दाहिने हाथ को सामने रखें और 10 सेकंड बिल्कुल सामने रखें, यह दंड मुद्रा है। दूसरी मुद्रा मत्स्य मुद्रा है और बाएं हाथ अंगूठे खोल करके उसके ऊपर दाहिने हाथ रखें और अंगूठा खोल दें, इन दोनों स्थितियों को अगर हिलाते रहे तो यह मत्स्य मुद्रा कहलाएगी। तीसरी मुद्रा शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा में बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की उंगलियों से जोड़ दें। ऐसा होने पर आप देखेंगे कि बिल्कुल शंख के आकार का एक बिंब बन जाता है। यह शंख के आकार का जो बिंब है वो पूर्ण रूप से शंख मुद्रा कही जाती है। फिर वापस कर देता हूं, बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को इन उंगलियों से जोड़ दें और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो सामने रखें, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें।
चौथी अभय मुद्रा में दोनों हाथ बिल्कुल सामने स्पष्ट हो और 10 सेकंड तक दोनों हाथ हमारे सामने स्पष्टता के साथ रखें। और पांचवी मुद्रा अपने आप में हृदय मुद्रा है। हृदय मुद्रा में पांचों उंगलियां खोल करके पूरे हृदय पर स्थापित हो और अंगूठा ऊपर की ओर अग्रसर हो, सिद्ध हो। इस प्रकार से हम कुछ सेकंड तक 10 सेकंड तक बैठे। इन पांचों मुद्राओं को यदि हम किसी भी साधना में स्पष्ट करते हैं तो उस साधना में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। दूसरा प्रकार इसके लिए जरूरी है कि हम या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे या वीरासन में बैठे। जिस प्रकार से नमाज पढ़ते समय बैठते हैं उसमें वीरासन में आप बैठकर के साधना संपन्न कर सकते हैं, और यदि वैसा नहीं हो सके तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, मगर बार बार उस साधना में आसन बदलना उचित नहीं होता। अगर आपके लिए सुविधाजनक है सुखासन तो सुखासन में बैठ सकते हैं, मगर नीचे कौन सा आसन हो, ऊनी आसन हो या सूती आसन हो, सफेद हो या पीला हो या हरा हो या लाल हो, ये तो गुरु ही आपको स्पष्ट कर सकेगा, क्योंकि प्रत्येक साधना के लिए अलग अलग प्रकार के आसनों का विधान स्पष्ट किया गया है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप तंत्र साधना बराबर क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न करें, यह गोपनीय तथ्य है। अधिकतर साधक बिल्कुल सौम्य मुद्रा से इस साधना को संपन्न करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, सफलता मिल ही नहीं सकती। सफलता के लिए जरूरी है कि पूर्ण क्रोध मुद्रा में आप मंत्र जाप करें, और क्रोध मुद्रा का तात्पर्य है कि आपकी आंखें बिल्कुल फटी हुई हों, तेज हों, जैसे आप क्रोध कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ क्रोध कर रहे हैं, और उस क्रोध के साथ आप मंत्र जाप करें। एकदम बैठे हुए आप मंत्र जाप करें, बिल्कुल सीना स्पष्ट हो, आप खुले हों और आप मंत्र जाप करें। जैसे कि आपका चेहरा फट जाएगा, चेहरे पर खून की लाली जम जाएगी और आंखों से अंगारे बरसते हुए उस क्रोध मुद्रा के साथ आप उस मंत्र जाप करें। क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही तंत्र में पूर्णता और सफलता प्राप्त हो पाती है। चौथा प्रकार ये जरूरी है कि आप अपना रक्षा विधान कर दें। मैं रक्षा मंत्र आपके सामने बोल देता हूं। इस रक्षा मंत्र का उच्चारण करने से किसी प्रकार की बाधाएं अड़चन आपके सामने नहीं आ पाएगी। कोई भी साधना प्रारंभ करने से पहले इस तंत्र या इस रक्षा मंत्र को तो बोलना ही चाहिए। चावल हाथ में लेकर के अपने ऊपर घुमाते हुए चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए, और वह रक्षा मंत्र है, ओम रक्षो रणम बलरहनम वैष्णवी मिलमहंतम रक्षो पूर्वाह ततां सहस्रियम सचैतन्यम पूर्वाह पश्चिमोत्तरो दक्षिणम पूर्व आर्याम इंद्रम वायाम नित्यम सरेन्दा पूर्व अथास्मानम ऊर्ध्वो अधम साम सर्व रक्ष रक्ष दिशोरक्षम साम पूर्वा अथास्मानम दिक्पाल पूर्णम साम तुभ्यम संबलदे। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल में चावल फेंक दें, यह अपने आप में रक्षा विधान है। और उसके साथ ही हम पूर्ण रूप से गुरु को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए उनसे अनुमति लेते हुए हम साधना प्रारंभ करें, क्योंकि गुरु आवश्यक है। और साधना के प्रारंभ में और साधना के अंत समय में, साधना की समाप्ति पर नित्य उस गुरु की पूजा अर्चना गुरु मंत्र जाप तो आवश्यक होता ही है। और मैं इसके बाद उस विशेष मंत्र को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो तंत्र के लिए एक आवश्यक मंत्र है। अगर इस मंत्र की ध्वनि निरंतर उस मंत्र जाप के पास आपके पास आती रहती है, या उस तांत्रिक साधना करने से पूर्व नित्य यदि पांच माला इस मंत्र का आप जप कर लें तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यह साफल्य मंत्र कहा जाता है, सफलतादायक मंत्र कहा जाता है। इसलिए नित्य तंत्र साधना मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व पांच माला गुरु मंत्र की करें और पांच माला साफल्य मंत्र की करें, और यह साफल्य मंत्र किसी भी प्रकार के तंत्र के लिए उपयोगी है। और वह साफल्य मंत्र है, ओम रीम ऐं क्लीं क्रीं हुम हुम क्रीं क्रीं फट। इस मंत्र की पांच मालाएं आप जपें, मंत्र जाप करें, उसके बाद मूल मंत्र का प्रारंभ करें। और यदि आपके पास टेप रिकॉर्डर हो तो इस मंत्र को 100-200 बार पूरी टेप भर लें और इस मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहें। वह टेप आपके कानों में ध्वनि पड़ती रहे, तब भी आपकी सफलता की संभावनाएं पूर्ण रूप से बढ़ जाती है। और इस प्रकार इस साधना को आप तंत्र साधना को संपन्न करते हुए आप अपनी पूर्णता सफलता प्राप्त करें। और यदि आपको सिद्धि मिल जाती है, यदि आपके सामने प्रत्यक्ष अप्सरा स्पष्ट हो जाती है, यदि आपके सामने बगला स्पष्ट हो जाती है, यदि आपके सामने लक्ष्मी स्पष्ट हो जाती है, तो आप भूल करके भी इसका प्रदर्शन नहीं करें, दूसरों को चमत्कार दिखाने के लिए प्रयोग नहीं करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यदि आप इन नियमों को पालन करते हुए, इस रहस्यों को स्पष्ट करते हुए तंत्र साधना संपन्न करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद प्रत्येक क्षण आपके साथ है।
शब्द जो उच्चरित हुआ हो साक्षात श्री सद्गुरुदेव के श्री मुख से मंत्र सदृश ही होता है, क्योंकि समर्थ होता है वह शिष्य को मन की अनेक गुत्थियों से त्राण दिलाने में। फिर वही गुत्थे भौतिक जीवन की किसी समस्या से संबंधित हो या अध्यात्म की किसी जिज्ञासा को लेकर, और यही स्पष्ट कर रहे हैं ये कैसेट जीवन के दोनों पक्षों को साथ लेकर चलते हुए। इन ऑडियो कैसेट को सुनकर निश्चय ही आप अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे, समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम कैसेट है मैं खो गया तुम भी खो जाओ। चहु दिस गुरु सुगंध व्यापीरे, यह कैसेट है दो भागों में। गुरु हमारो गोत्र है, गुरु बिना गतिर नास्ति, गुरु गति पार लगावे, गुरु हमारी जाति है, गुरुवाणी समर्पण, अब तो जाग, गुरु हमारी आत्मा, सांस सांस में गुरु बसे, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। इसके अलावा विभिन्न प्रयोग जो समय समय पर पूज्य गुरुदेव संपन्न कराते हैं, उनके भी ऑडियो कैसेट्स उपलब्ध हैं। इन्हें सुनकर इन कैसेट्स के अतिरिक्त साधना एवं प्रयोगों से संबंधित ऑडियो कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। इन ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से आप साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं, जो पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है। कैसेट नंबर 1 भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रयोग। कैसेट नंबर 2 महाकाल प्रयोग। कैसेट नंबर 3 स्वर्ण खप्पर प्रयोग तथा रक्त बिंदु गुरु स्थापन प्रयोग। कैसेट नंबर 4 साधना सिद्धि साफल्य प्रयोग। कैसेट नंबर 5 वेदोक्त लक्ष्मी प्रयोग तथा मुख्य लक्ष्मी पूजन। इनके अतिरिक्त ये कैसेट जिन्हें आप सर्वथा पहली बार सुनेंगे, गोरखवाड़ी निखिलेश्वरम, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, नारायणोपनिषद, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली जी की पावन वाणी से निस्तृत यह ज्ञान निर्झर जो ऑडियो कैसेट द्वारा एस सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी कैसेट का निछावर मात्र 30 रुपए दे करके स्वयं खरीद सकते हैं अथवा जोधपुर या दिल्ली कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना आदेश पत्र अथवा फैक्स के माध्यम से या टेलीफोन के द्वारा भी जोधपुर कार्यालय में दे सकते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान डॉक्टर श्रीमाली मार्ग हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन 0291-322-09, टेलीफैक्स 0291-320-10। यह है जोधपुर कार्यालय का पता। दिल्ली कार्यालय से संपर्क करने के लिए आप सिद्धाश्रम 306 कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा नई दिल्ली, फोन नंबर 011-718-2248 या
टेलीफैक्स 011-719-6700 पर संपर्क कर ऑडियो कैसेट प्राप्त कर सकते हैं।